अखिलेश को हाथी से उतारने के बाद अकेले उतरी मायावती को मिला 11 में से 0 बटे सन्नाटा। हेलो दोस्तों, अगर आप भी मायावती को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। उत्तर प्रदेश में गुरुवार को जिन 11 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के नतीजे आए हैं उसमें मायावती की बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया है, जबकि लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी से गठबंधन करने के बाद उनकी पार्टी को राज्य में 10 सीटें मिली थी। उस चुनाव नतीजों के बाद मायावती ने एक तरफा गठबंधन तोड़ने का ऐलान किया था। उपचुनाव में भाजपा ने अपना दबदबा कायम रखा है लेकिन कांग्रेस ने खाता भी नहीं खोला है। हालांकि पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी ने बीजेपी की प्रदेश सरकार पर चुनाव में नतीजों को प्रभावित करने की कोशिश करने का भी आरोप लगाया है। यूपी की 11 विधानसभा सीटों के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी 3 सीटों पर जीतने में कामयाब रही और उसने भाजपा को कड़ी टक्कर दी। पार्टी के उम्मीदवार रामपुर, जैदपुर और जलालपुर से उपचुनाव जीत गए हैं। रामपुर में पार्टी के उम्मीदवार तजीन फातिमा, जैदपुर में गौरव कुमार और जलालपुर में सुभाष राय विजयी रहे हैं। इसमें जलालपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा ने बसपा के उम्मीदवार डॉक्टर छाया को करीबी अंतर से हरा दिया है। बाकी 2 सीटों पर उसे बीजेपी के प्रत्याशी पर कामयाबी मिली है। इन 11 सीटों पर सपा उम्मीदवार कुल 22.61% वोट पाने में कामयाब रहे हैं। वहीं मायावती की पार्टी बहुजन समाज पार्टी का खाता भी नहीं खुल पाया है। बीएसपी के लिए सबसे बुरा रहा कि उसके उम्मीदवार कहीं से भी जीत ही नहीं सके हैं। 11 में से सिर्फ इगलास और जलालपुर सीट में भी उनके प्रत्याशी दूसरे स्थान बनाने में सफल हुए हैं। कांग्रेस को भी इस उपचुनाव में 0 हासिल हुआ है। पार्टी उम्मीदवार 11 में से सिर्फ 2 सीटों पर ही विरोधियों को टक्कर दे पाए हैं। वहीं भाजपा का दबदबा एक बार फिर से बरकरार रहा है और यहां पार्टी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है। प्रियंका गांधी ने भाजपा पर जनादेश प्रभावित करने का आरोप भी लगाया है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी की गंगोह विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा पर जिलाधिकारी को चुनाव का परिणाम बदलने का दबाव आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि घमंड में चूर बीजेपी कांग्रेस उम्मीदवार के वोटों का मार्जिन घटाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि उत्तर प्रदेश में एक भाजपा के मंत्री ने डीएम को 5 बार फोन करके निर्देश दिया कि बढ़त को कम कर दें और ये लोकतंत्र का सरासर अपमान है। तो दोस्तों, अगर आप भी मायावती को देश के प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुपों पर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।